हेलो स्टूडेंट्स, यूनिट नंबर 3 स्पेशल पर्पस डायोड्स एंड ट्रांजिस्टर में आज एक नया टॉपिक पढ़ेंगे जो कि है 7 सेगमेंट एलईडी डिस्प्ले, जिसे 7 सेगमेंट एलईडी डिकोडर के नाम से भी जाना जाता है। सो आई होप यू आर रेडी विथ योर पेन एंड पेपर। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट अस स्टार्ट दिस वीडियो। तो सबसे पहले तो ये पूरा नाम लिखा है उसका मतलब समझने की कोशिश करेंगे। अब यहां पे लिखा है 7 सेगमेंट। सेगमेंट यानी क्या? पार्ट, 7 भाग। ठीक है, 7 सेगमेंट यानी 7 पार्ट। कैसे 7 पार्ट है यहां पे? तो यहां पे मैंने बना के रखा है, ये सपोज करते हैं ये ए हो गया 1 पार्ट, बी सी डी ई एफ और ये जी। ये कितने पार्ट हो गए? 7 सेगमेंट हो गए, 7 पार्ट्स हो गए। ठीक है, एलईडी, एलईडी यानी क्या? हर एक पार्ट के पास एक एक एलईडी है, यानी ये एक एलईडी 2 3 4 5 6 7, यानी हर एक जो पार्ट है, सेगमेंट है, उसके पास एक एक एलईडी है। और ये एलईडी ग्लो करेगी, इसका मतलब हमें कुछ डिस्प्ले होगा तो उसे बोल देंगे डिस्प्ले। ठीक है, अच्छा तो ये तो बात हुई इसके नाम की, 7 सेगमेंट एलईडी डिस्प्ले जिसके पास 7 एलईडी है कुछ इस मैनर में लगाई हुई होती है। अब इसका एक एग्जांपल भी मेरे पास है, तो यहां पे आप देख सकते हो ये 7 सेगमेंट एलईडी डिस्प्ले है। यहां पे आप देख सकते हो कॉर्नर पे एक डॉट दिखेगा आपको, तो ये डॉट जो है वो यहां पे मैंने बना के रखा है, इसे हम बोलते हैं डेसिमल पॉइंट। और इसके पीछे की साइड अगर मैं बताऊं आपको तो यहां पे कुछ ऐसी पिंस देखने को आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो ये जो डिवाइस है, ये जो पार्ट है, इसे हम बोल देंगे 7 सेगमेंट डिस्प्ले एलईडी या डिकोडर। ठीक है, अच्छा अब आगे बढ़ते हैं। अब ये जो एलईडी डिस्प्ले है 7 सेगमेंट वाली, उसके 2 तरीके के कनेक्शन होते हैं, 2 तरीके की एलईडीज आती है ये वाली। कौन सी? तो पहली है कॉमन एनोड टाइप और दूसरी कॉमन कैथोड टाइप। अब कॉमन एनोड टाइप यानी क्या? एनोड टाइप यानी हमें पता है प्लस टर्मिनल। ठीक है, अब ऐसी एलईडी डिस्प्ले जिसके सारे जो हमारे एनोड्स है वो सारे एनोड्स कॉमन कनेक्ट किए गए हैं, यानी सारे के सारे जो हमारी जितनी भी एलईडी है, सारे एलईडी के जो एनोड्स है उसे हमने कॉमन कर दिया है। ठीक है, एलईडी कौन सी थी हमारी? ये वाली ए बी सी डी ई एफ जी। ये क्या है? ये डायोड का सिंबल है। डायोड यानी क्या? एलईडी। ठीक है, ये पीएन जंक्शन डायोड है जो कि एलईडी है, जिसको अगर हम करंट देंगे तो वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी का लाइट एनर्जी में कन्वर्ट कर देगी। तो ये हमारी हो गई 7 एलईडी। 7 एलईडी के जितने भी ये सारे एनोड्स है, ये सारे एनोड्स, इसे हम एनोड ही बोलते थे, अगर याद हो तो हम पीएन जंक्शन डायोड का सिंबल कुछ ऐसे बनाते थे। ठीक है, ये हो गया पी, ये हो गया एन, इसे हम क्या बोलते थे? एनोड बोलते थे। इसे क्या बोलते थे? कैथोड बोलते थे। ठीक है, तो एनोड जितने भी है, ये सारे के सारे एनोड, सारी एलईडी के, उससे क्या कर दिया है हमने? कॉमन कर दिया है। ठीक है, और कैथोड जितने भी है, ये सारे कैथोड के कनेक्शन, कैथोड को हमने क्या किया है? सेपरेट रखा है, और ये सेपरेटेड कैथोड हम डिफरेंट डिफरेंट पिंस में कनेक्ट करेंगे। ठीक है, बहुत डिटेल में जाना नहीं, इतना ही आपको लिखना है। तो यहां पे लिख के रखा है एनोड ऑफ ऑल एलईडीज आर कनेक्टेड कॉमन एंड कैथोड्स आर सेपरेटेड एंड कनेक्टेड विथ डिफरेंट डिफरेंट पिंस। अगर मैं कॉमन कैथोड की बात करूं, ये जो एलईडी की दूसरी टाइप कॉमन कैथोड की बात करूं, तो आप क्या बोलोगे? अब यहां पे कॉमन हो जाएगा, ये कैथोड हमारा कॉमन हो जाएगा और एनोड सेपरेट हो जाएगा और एनोड डिफरेंट डिफरेंट पिन से हम कनेक्ट करेंगे। ठीक है, तो यहां तक की कहानी आपको समझ में आ चुकी होगी। आगे बढ़ते हैं। अब ये जो 7 सेगमेंट एलईडी है उसे हमें एक आईसी से कनेक्ट करना पड़ता है, इंटीग्रेटेड सर्किट से कनेक्ट करना पड़ता है। वो इंटीग्रेटेड सर्किट को बोलते हैं BCD to 7 सेगमेंट डिकोडर। बीसीडी यानी क्या? बाइनरी कोडेड डेसिमल। यानी ये जो आईसी है, जो कि 7446 या 7447 ले सकते हो आप, ये आईसी क्या करेगी? जो भी बाइनरी सिग्नल होगा, बाइनरी सिग्नल यानी कैसा? 0 1 1 0 1 0, इसे हम बाइनरी सिग्नल बोलेंगे। 0 यानी क्या? ऑफ। 1 यानी क्या? ऑन। 0 यानी क्या? मिनिमम। 1 यानी क्या? मैक्सिमम। ये तो हमें पता है। ठीक है, 0 पर करंट नहीं, 1 पर मैक्सिमम करंट। ठीक है, तो ये क्या करेगा? ऐसे जो सिग्नल आएंगे, बाइनरी सिग्नल, उसको किसमें कन्वर्ट कर देगा? डेसिमल में। डेसिमल में यानी 0 1 2 3 4। ठीक है,
तो ये इसका फंक्शन है आईसी का। ये आईसी किससे कनेक्ट करते हैं हम, ये आईसी हम 7 सेगमेंट एलईडी डिस्प्ले से कनेक्ट करते हैं, जो कि क्या करेगा, बाइनरी सिग्नल जो आएंगे ऑन ऑफ वाले उसे डेसिमल में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, अब ये जो आईसी है उसके पास ऐसे 4 बिट्स होते हैं कनेक्शन के, और यहाँ पे ये 4 जो एलईडी है ये कनेक्शन यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, तो यहां तक की कहानी तो आपको सिर्फ लिख के आनी है, इसमें डिटेल में कुछ जाना नहीं है। ठीक है, अब मेन कंसेप्ट समझने की कोशिश करते हैं। बुक में बड़े बड़े टेबल देके रखे होते हैं, कैसे बनाते हैं वो टेबल देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कॉमन कैथोड की। ठीक है, कॉमन कैथोड एक एलईडी हमारे पास है, जैसे कि ये जो है ये कॉमन कैथोड एलईडी ही है। इंटरनल स्ट्रक्चर अगर आप चेक करोगे तो ये कॉमन कैथोड निकलेगी। ठीक है, वो बाहर से मालूम चलेगा नहीं हमें। अच्छा, कॉमन कैथोड की अगर बात करें, ये कॉमन कैथोड की, तो अगर हमें ये कॉमन कैथोड में 0 डिस्प्ले कराना है, यहां पे क्या कौन सी लाइट होनी चाहिए, रेड लाइट 0 में होनी चाहिए, यानी बीच का जो है ये बीच का ये हमें चाहिए नहीं। 0 यानी कुछ ऐसे में बना सकता हूं, ऐसे करके ऐसे। ठीक है, ठीक है, तो ये जी वाला पार्ट हमें चाहिए नहीं, 0 नंबर हमें डिस्प्ले कराना है। तो 0 वाला पार्ट चाहिए नहीं, यानी ये एलईडी कैसी होनी चाहिए, जलनी नहीं चाहिए, ग्लो नहीं होनी चाहिए, यानी कि जी के लिए क्या बोल देंगे, 0, करंट है ही नहीं उसके लिए। तो ये जी के लिए करंट है नहीं, तो यहां पे जी पे मैं क्या कर दूंगा, 0 कर दूंगा। यहां पे 0 कर दिया, ये चला गया, बाकी चला नहीं है, यानी बाकी को करंट देना है, यानी मैक्सिमम करंट देना है, यानी यहां पे 1 देना पड़ेगा। तो A1 ये सारे कैसे हो जाएंगे, 1 हो जाएंगे। ठीक है, अच्छा, उसी तरीके से अगर 1 की बात करें, 1 की बात करें तो क्या बोलेंगे, उसमें कौन से 2 एलईडी में करंट चाहिए, बी और सी में, तो तब जाके 1 डिस्प्ले होगा। तो बी और सी में करंट चाहिए मैक्सिमम, तो यहां पे लिख लेता हूं बी और सी में मैक्सिमम, बाकी सब में चाहिए नहीं। ठीक है, अच्छा, आगे बढ़ते हैं 2 की बात करें, तो 2 कैसे बनाएंगे, ऐसे करके कुछ ऐसे बनाएंगे 2। इसमें कौन सी 2 एलईडी नहीं चाहिए हमें, तो ये एक वाली यानी F और ये वाली यानी C। सो F और C में हम क्या बोल देंगे, 0 है, बाइनरी इसका 0 है, F और C, ये रहा F और C, ये रहा C, बाकी सब में 1 1 1 1, जिसे ग्लो कराना है उसे 1 कर देंगे। ठीक है, 3 की बात करें, तो 3 में कौन सी एलईडी नहीं चाहिए हमें, एक ये और एक ये, यानी एफ और ई में 0 0 कर दो, तो ये एफ और ई में 0 0, बाकी सब में 1 1 कर दो। ठीक है, 4 नंबर की अगर देखनी है तो कैसे करेंगे, 4 नंबर ऐसे करके कुछ ऐसे आएगा आपका। ठीक है, उसमें कौन सी नहीं है, ए और ई और डी। ठीक है, ए ई डी, तो यहां पे कर देते हैं ए फिर ई फिर ये वाला डी, बाकी सब में 1 1 1 1। ठीक है, 5 नंबर अगर लिखना है तो कैसे लिखेंगे, ये 5 ये 5, 2 ये नहीं चाहिए, बी और ई में 0 कर दो, तो यहां पे बी और ये हो गया ई में 0, बाकी सब में 1 1 कर दो। 6 नंबर चाहिए, तो 6 नंबर ऐसे कुछ बनेगा, बी नहीं चाहिए तो बी में 0 कर दो, तो बी में 0, बाकी सब में हमें चाहिए। ठीक है, 7 नंबर की बात करें, तो 7 नंबर कुछ ऐसे आएगा। ठीक है, इसमें कौन सी एलईडी नहीं चाहिएगी, एफ जी ई डी, एफ जी ई डी, एफ जी ई डी। ठीक है, बाकी सब चाहिए। 8 नंबर, 8 नंबर में क्या करना पड़ेगा, सारी एलईडी चाहिए 8 नंबर में, तो सारी एलईडी चाहिए, तो सब में 1 1 कर दो, सब में 1 1 कर दिया। ठीक है, 9 नंबर के लिए कौन सी नहीं चाहिए, ये वाली नहीं चाहिए, यानी ई वाली नहीं चाहिए, तो ई में हम कर देते हैं 0, बाकी सब में 1 1 1 कर देते हैं। ठीक है, और रही बात डेसिमल पॉइंट की, तो याद रखना कॉमन कैथोड में डेसिमल पॉइंट 0 हम रखते हैं, बाइनरी जो इसका है वो, उसमें डिटेल में ज्यादा जाएंगे नहीं। ये सारी चीज हम समझेंगे जब हम आखिरी यूनिट पढ़ेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे गेट्स क्या होते हैं, कैसे बाइनरी सिग्नल को हम कन्वर्ट करते हैं। तो अभी डिटेल में जाएंगे नहीं, अभी इस तरीके से आप टेबल को याद रख सकते हो। ये तरीका हो गया कॉमन कैथोड का टेबल बनाने का, यानी कॉमन कैथोड हो तब 1 2 3 कैसे डिस्प्ले कराएंगे। उसी तरीके से अगर कॉमन एनोड की बात करें, इसकी बात करें, कॉमन एनोड की बात करें, तो यही टेबल आप इधर बनाओगे। डिफरेंस क्या होगा, डिफरेंस यही होगा, ये टेबल में जहां 0 रखा है वहां 1 कर देना, ये तो नंबर इसमें कुछ छेड़छाड़ करनी नहीं, बाकी का जो पोर्शन है, बाकी का जो पोर्शन है उसमें क्या करोगे, जहां पे
जीरो है वहां पे वन करना, जहां पे वन है वहां पे जीरो करके ये टेबल बना देना। जैसे कि ये वन 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 है तो अब क्या आ जाएगा, जीरो 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 जीरो, आखिरी में ये जी जीरो है तो ये वन आ गया। ठीक है, एक और देख लेते हैं, जैसे कि ये नाइन है तो नाइन में वन टू थ्री फोर, चार बार वन है तो यहाँ पे वन टू थ्री फोर चार बार जीरो है, बाद में जीरो की जगह क्या कर दिया, वन कर दिया, बाद में ये दो वन है तो ये दो जीरो लगा दिए, और यहाँ पे सारे के सारे जीरो है तो यहाँ पे सारे के सारे वन कर देंगे। तो आप स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम देखेंगे इसकी एप्लीकेशन और 16 सेगमेंट डिस्प्ले। 7 सेगमेंट एलईडी जो है वो कहां पे यूज होती है, तो वो डिजिटल इक्विपमेंट्स में यूज होती है, जैसे कि डिजिटल क्लॉक हो गया, हमारा कैलकुलेटर हो गया, डिजिटल मल्टीमीटर हो गया। ठीक है, अच्छा, और इसका जो एप्लीकेशन है 7 सेगमेंट का, वो अल्फा न्यूमेरिकल डिस्प्ले में भी यूज होता है। अल्फा न्यूमेरिकल यानी क्या, जो भी हम नंबर्स बना रहे हैं एलईडी से उसके साथ साथ कैरेक्टर भी हम बना सकते हैं, यानी ए बी सी डी वो भी हम भी ऐड कर सकते हैं मैट्रिक्स ऑफ एलईडीज से। अब ये मैट्रिक्स ऑफ एलईडीज क्या है वो हम हमारे अपकमिंग वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे तो सिर्फ और सिर्फ ये चीजें आपको छाप के आनी है एग्जाम में टू गेट दी फुल मार्क्स। ठीक है, तो ये सारी बात हो गई 7 सेगमेंट एलईडी की। अब बात करते हैं 16 सेगमेंट डिस्प्ले की। ठीक है, अब जो 16 सेगमेंट डिस्प्ले है नाम से ही पता चलता है कितने होंगे सेगमेंट्स, कितनी होगी एलईडी, 16 एलईडी इसमें लगी होगी। अब ये दिखने में कैसी है, तो ये जो है वो एक्सटेंशन ऑफ 7 सेगमेंट एलईडी है। 7 सेगमेंट एलईडी कुछ ऐसी थी, ठीक है, ऐसे 7 सेगमेंट आते थे, तो 16 में क्या करेंगे हम, ये पार्ट को डिवाइड कर देंगे यहां से, ठीक है, और ये पार्ट को तीन जो हॉरिजॉन्टल है उसको डिवाइड कर देंगे, तोड़ देंगे, ठीक है, ये तोड़ दिया, और बाद में क्या करेंगे, चार डायगोनल डालेंगे, ये एक डायगोनल, दूसरा, तीसरा, चौथा, ठीक है। तो ऐसा अगर हम बनाते हैं कंस्ट्रक्शन तो उसे हम बोल देंगे 16 सेगमेंट। इसके टोटल 16 एलईडी, 16 सेगमेंट्स डिस्प्ले। अब कैसे एग्जाम में लिखोगे वो बोर्ड पे लिख के रखा है, ठीक है, तो यहां तक आपको एग्जाम में लिख के आना है। सो टिल देन रीड हार्ड, वर्क हार्ड, थैंक यू वेरी मच।